गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों को लेकर जो गोरखाली समाज से संबंधित हो। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की। जी हां, क्रिकेट की। देश में जुनून है, मजहब है क्रिकेट, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और यदि हिंदुस्तान की क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट का केंद्र मुंबई शहर रहा है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिकेटर्स देने की बात हो, तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से इतने सारे प्रतिभा देश के लिए निकले हैं। सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, अजीत अगरकर, बहुत सारे नाम। रोहित शर्मा वर्तमान में इतना बड़ा नाम है मुंबई क्रिकेट के। जी हाँ, अब आप बात करेंगे कि मुंबई क्रिकेट की बात गोरखा वेब टीवी में क्यों हो रहा है। आज बात हम करेंगे जय बिस्टा की। जी हाँ, जय बिस्टा मुंबई क्रिकेट टीम में पुनः चुने गए हैं। मुंबई की जो रणजी टीम का 17 तारीख को ऐलान हुआ, उस मुंबई की रणजी टीम में जय बिस्टा का नाम भी एज अ सीनियर टीम मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। अब जय बिस्टा कौन है, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। मुंबई क्रिकेट इतिहास में गिने चुने खिलाड़ी है जो अंडर 12, 16, 14, 19, अंडर 23 और रणजी की सीनियर टीम में खेले। जी हाँ, जितने भी फॉर्मेट और एज कैटेगरी की टीम है, सभी में जय बिस्टा शिरकत कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि गोरखाली समाज के युवा होने के नाते और देश के क्रिकेटर होने के नाते जय बिस्टा के नाम पर मौजूद है। और साथ ही साथ अंडर 23 की जो क्रिकेट टीम है उसमें जय बिस्टा कप्तान भी है। पिछले साल ही उन्होंने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए फाइनल में डबल सेंचुरी बनाते हुए मुंबई को खिताब जिताया था। इतना ही नहीं, मुंबई के लिए वह अपने T20 फॉर्मेट और जो 50 ओवर के फॉर्मेट है उसमें भी काफ़ी धमाकेदार प्रदर्शन कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि जय बिस्टा है कौन। जय बिस्टा के बारे में यदि आपको जानना है तो समझना पड़ेगा देश में गोरखाली समाज के योगदान को। विभिन्न खेल, चाहे बॉक्सिंग हो, शूटिंग हो, फुटबॉल हो, इनमें हॉकी भी हो, इनमें बहुत ही ज़्यादा गोरखाली समाज ने अपनी भूमिका और योगदान दिया है। उसी क्रम को क्रिकेट के क्षेत्र में भी कई क्रिकेटरों ने वक्त वक्त में अपनी तरफ से महती योगदान दी है। उन्हीं क्रम में हम बात करेंगे जय बिस्टा की। जय बिस्टा भारत के लिए क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खेलने वाले, टीम इंडिया की जर्सी पहनने वाले पहले गोरखा क्रिकेटर भारत के हो सकते हैं। उनका जो परफॉर्मेंस है उनके बारे में भी बात करने की जरूरत है। आइए हम बात करेंगे कि जय बिस्टा कौन है। ये छोटी सी क्लिप देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाला यह शख्स और कोई नहीं बल्कि मुंबई रणजी टीम का होनहार ऑलराउंडर क्रिकेटर जय बिस्टा है। जी हां, मुंबई के खालिस इस क्रिकेटर का शुमार भारत के टॉप प्रतिभावान क्रिकेटर्स के रूप में किया जाता है। रोचक बात यह है कि जय बिस्टा भारतीय गोरखाली समाज से प्रतिनिधित्व रखते हैं। मुंबई में 23 दिसंबर 1995 को पैदा हुए जय नैसर्गिक प्रतिभा के धनी क्रिकेटर है। भद्र न्यू हाई स्कूल से शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने वाले जय ने क्रिकेट की असली बारीकी शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल से सीखनी शुरू की। यह वही स्कूल है जिसने मुंबई ही नहीं बल्कि भारत को भी बेहतरीन प्लेयर्स दिए हैं, जिनमें सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली प्रमुख है। स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद जय ने राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज से अपनी हायर स्टडी पूरी की।
वर्तमान में जय विनोद राघवन से क्रिकेट की कोचिंग ले रहे हैं। जय मुंबई में इस साल रणजी टीम के सबसे चर्चित क्रिकेटर्स में शुमार किए जा रहे हैं, क्योंकि देश के लिए खेल रहे कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूदा सत्र के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि आने वाले सालों में भारत के लिए खेलने के लिए जय बिस्टा रेस में अन्य साथी क्रिकेटर्स के साथ ठोक बजाकर साथ साथ खड़े हैं। हैरानी नहीं होगी कि आपको अगले साल जय बिस्टा के रूप में टीम इंडिया की जर्सी पहने पहले भारतीय गोरखाली क्रिकेटर के तौर पर वह नजर आ सकते हैं। जय को T20 फॉर्मेट का एक एक्सपर्ट क्रिकेटर माना जाता है। फील्डिंग के लिए तो पूरे वेस्टर्न जोन में जय के मुकाबले कोई भी फील्डर दूर दूर तक नहीं ठहरता है। चूंकि आपने देखा कि जय बिस्टा कौन है, तो जय बिस्टा के बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी बता देते हैं। जय बिस्टा के पिता मुंबई यूनिवर्सिटी से गोकुल बिस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। क्रिकेट उनको बचपन में ही उनके खून में उनको बकायदा उनको जीन में मिला, उनके हेरिटेज में क्रिकेट था। और क्रिकेट की दीवानगी इतनी थी कि उन्होंने महज 8 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया। 12-13 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने तय कर लिया कि उनको बतौर पेशेवर क्रिकेट खेलना है। बतौर पेशेवर क्रिकेट खेलते हुए आज मुंबई क्रिकेट का एक बड़ा नाम है जय बिस्टा। जय बिस्टा के साथ आपको कुछ रोचक बात बता दूं, फिजिकल फिटनेस को लेके काफी सजग जय बिस्टा बिल्कुल विराट कोहली के अंदाज में अपने फिटनेस को बनाए रखे हैं। अगर उनकी क्रिकेट खेलने की शैली की बात की जाए तो वह बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में बहुत फास्ट क्रिकेट खेलने वाले एक क्रिकेटर, एक बल्लेबाज के तौर पे माने जाते हैं। सीधे हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। साथ ही साथ उनकी सबसे बड़ी योग्यता कमाल की फील्डर, मुंबई क्रिकेट टीम में उनको जॉन्टी रोड्स भी कहा जाता है। कुलांचे भरते हुए, छलांग मारते हुए कई बेमिसाल कैच उनके अभी भी मुंबई क्रिकेट के इतिहास में दर्ज है। महज 24 साल के जय बिस्टा जल्द ही टीम इंडिया के एक सदस्य बने और भारत में रहने वाले ही नहीं दुनिया भर में रहने वाले गोरखाली समाज के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण लेकर आए, ऐसी ही उम्मीद करते हैं। अब हम उनके फिटनेस के बारे में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ी सी आपको बताते हैं, फिर हम इसी चर्चा को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। आधुनिक क्रिकेट के लिए बेहद जरूरी सिक्स पैक, जी हाँ, गोरखाली क्रिकेटर जो मुंबई के खालिस एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, जय बिस्टा अपने फिटनेस के लिए बेहद संजीदा रहते हैं। अपने फिटनेस को लेकर वह इतने ज्यादा गंभीर रहते हैं कि वह जिम में अपना ज्यादातर वक्त बिताते हुए नजर आ जाते हैं। जय बिस्टा मुंबई ही नहीं पूरे भारत के सबसे फिट क्रिकेटरों में शुमार किए जाते हैं। साथ ही साथ उनकी फील्डिंग के चर्चे पूरी भारत के क्रिकेट जगत में की जाती है। अपने दोस्तों के साथ वह बेहतरीन क्षण गुजारते हुए भी सोशल मीडिया पे अक्सर नजर आ जाते हैं। बीते कई सालों से वह विदेशी लीग में भी लगातार खेल रहे हैं, जिससे उनके खेल में निखार आया है। साथ ही साथ तेज विकेट में खेलने की और उनकी खास जय बिस्टा स्कूप इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक खास शैली से एक स्कूप शॉट मारने की उनकी एक विशेष शैली पूरे भारत में बेहतरीन तरीके से चर्चे में आ रही है। माना जा रहा है कि जय बिस्टा मौजूदा सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन कर न केवल मुंबई टीम के लिए बल्कि भारतीय टीम के आने के लिए भी दरवाजे खटखटाएंगे। जय बिस्टा न केवल मुंबई के एक बहुत बड़े नाम हैं, बल्कि वह भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाके से उनके पूर्वज मुंबई में आए थे। मुंबई की पैदाइश, जय बिस्टा से जब इस विषय में पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि मी मराठी माणूस, मुंबईकर, एक खालिस मुंबईकर की तरह जो भारत में रहने वाले गोरखाली समाज है उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह भारत की संस्कृति में अपनी संस्कृति को बचाते हुए रच बस जाते हैं। यहाँ के हर कण कण में महती योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं। हम भी भारत के ही सम्मान्य नागरिक की तरह बतौर राष्ट्र निर्माण में हर संभव मदद करते हैं, हर संभव कोशिशें करते हैं कि देश राष्ट्र विकास की तरफ बढ़े। विकास हर क्षेत्र में हो सकता है, खेल के क्षेत्र में भी।
खेल के क्षेत्र में मुंबई की टीम इस बार बहुत बड़ी दावेदार है रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए, और इस बार दारुमदार उनके इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं जो क्रिकेटर हैं जो विदेशी दौरे में हैं और इंटरनेशनल कैलेंडर से जो मुंबई के लिए खेल नहीं पाएंगे। इस परिस्थिति में मुंबई के लिए जय विस्टा की भूमिका बहुत ही जिम्मेदारी वाली हो चुकी है। जितने भी लोग वीर गोरखा वेब टीवी देखते हैं उनको मालूम है कि वीर गोरखा वेब टीवी हमेशा से लेकर इस तरह की खबरें लेकर आई है जो छुपी हुई खबरें हैं। गोरखा समाज के बारे में कहा जाता है कि केवल वह सेना में है। इस मिथक को तोड़ने के लिए देश भर में घूम घूम कर मैं इस तरह की खबरें निकालता हूँ, इस तरह की खबरें आप तक पहुँचाता हूँ। इस तरह की खबरों को केवल न आप देखें बल्कि शेयर करें। आपके पड़ोस में टेनिस से क्रिकेट खेलने वाला बच्चा जो आपकी खिड़की तोड़ देता हो, उसको आप नाराज होकर कुछ कह भी देते हो सकता है कल के दिन वो बच्चा देश के लिए क्रिकेट खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। इसलिए आसपास में जितने भी जो भी कम उम्र के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उनका मार्गदर्शन जरूर दें। जो अनुभवी लोग हैं वह आगे आकर मार्गदर्शन करें उनका। यदि उनसे इतना भी नहीं हो पाएगा तो वीर गोरखा वेब टीवी, ये नीचे आप देख लीजिए, वीर गोरखा वेब टीवी के ईमेल में यदि कोई इस तरह का टैलेंटेड लड़का है तो आप उसकी डिटेल जरूर डालें। मेरे बहुत सारे संपर्क हैं, हो सकता है वीर गोरखा वेब टीवी एक माध्यम बन जाए उन टैलेंटेड क्रिकेटरों को जो युवा बच्चे हैं गोरखाली समाज के, उनको आगे लाने के लिए। देखिए क्रिकेट एक बहुत पेशेवर खेल है, इस खेल में उसकी बारीकी सीखना, उसकी तकनीक को सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही कम बिरले ऐसे लोग हुए हैं जो प्राकृतिक खेल खेलते हुए बगैर कम प्रैक्टिस के ही आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक चमके, लेकिन ऐसा हर क्रिकेटर के लिए होना मुमकिन नहीं है। जो भी क्रिकेट खेलता है उसको इनकरेज करें। आपके आस पड़ोस में जो बच्चे हैं, मैं तो इतना भी कहूँगा आप लोगों से अपील, एक मानवता का भाव दिखाते हुए, एक सच्चे नागरिक के भाव को जगाते हुए यदि कुछ इस तरह के बच्चे आपको दिखते हैं तो उनको डांटना नहीं है। हो सके एक टेनिस की बॉल 30-40-50 रुपए की आती है, एक टेनिस का बॉल उनके बच्चे के हाथ में आप थमा सकते हो। उनको कहो बच्चे बहुत अच्छा खेलते हो, गली में नहीं, तुम्हारी परवान, तुम्हारी जो उड़ान है वह मैदान में जाके हो सकती है। मैदान में जाओ, मैदान में खेलो, मैदान से ही उसकी तकदीर का रेस आगे बढ़ना शुरू होगा। इस तरह के आप इनिशियल स्टेप तो लीजिए। देखिए ये समाज से ही जो विसंगतियां हैं, हम एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। कोई अच्छा कर रहा हो उसको हम दबाने की कोशिश करके उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्यों नहीं हम कोशिश करते हैं, आप कोशिश करते हो कि कोई भी बच्चा आपको दिखता हो गली में क्रिकेट खेलता हुआ, उसको एक टेनिस की 25-50 रुपए की एक गेंद आती है, कोई ज़्यादा भारी भरकम राशि नहीं है, वो गेंद देते हुए उस बच्चे के पीठ को थपथपाते हुए बोलो बच्चे तुम क्रिकेट अच्छा खेलो, देश के लिए क्रिकेट खेलो, लेकिन मैदान में जाके क्रिकेट खेलो। यह सीख सभी को पैदा करनी पड़ेगी, ये खेल की संस्कृति पैदा करनी पड़ेगी। इसी तरह की नायाब खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा लगातार वीर गोरखा वेब टीवी में। इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी हुई शख्सियतों को आपके सामने इस हफ्ते में लगातार लेकर आता रहूंगा। आप लगातार मेरे चैनल को न केवल देखें, सब्सक्राइब करें और अपने आस पड़ोस में रहने वाले जितने भी गोरखा नॉन गोरखा लोग हैं उनको प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये जो वेब टीवी के कार्यक्रम हैं वो केवल आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए। यदि आप अपने भविष्य तक इस खबर को ना पहुंचा पाए तो हो सकता है भविष्य में आपके ही आस पड़ोस में रहने वाला या आपके घर में रहने वाला कोई सचिन तेंदुलकर यूं ही वक्त के थपेड़े के साथ, नज़रअंदाज करने के साथ, उसको सही प्रेरणा न मिलने के साथ वह अपने आप को यूं ही जाया कर दे। ये जाया नहीं होने देना है, आपको आगे आना पड़ेगा। इसी वादे के साथ कि आप आगे आएंगे मैं आपसे विदा लेता हूं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जय हिंद, जय गोरखा।